असलम एंड लेट्स गेट राइटिंग ये हमारा सेशन है लिमरिक्स एंड जिंगल्स के ऊपर अब आप सोचेंगे लिमरिक्स जिंगल्स अगेन ऐसा टॉपिक इसका फ्रीलांस या ऑन्टरप्रन से क्या ताल्लुक इसका बहुत गहरा ताल्लुक है लिमरिक्स हमारे हिसाब से आजकल की जो नई कम्युनिकेशन का दौर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं बिकॉज इट्स फ़नी एंड फ़नी कॉन्टेंट इज़ वायरल कॉन्टेंट एंड वी सीन दैट ऑल अलॉन्ग तो जैसे जैसे इंटरनेट और डिजिटल एनवायरनमेंट का हमारी जिंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा रोल आता जा रहा है उसी तरह लिमरिक्स और जिंगल्स जो हैं वो पॉपुलर होते जा रहे हैं सो व्हाट इज लिमरिक अ लिमरिक इज़ ए सिली पोएम विथ फाइव लाइंस सिर्फ पाँच लाइनों की इंतहाई टुपिट सी सिली सी पोएम को लिमरिक कहते हैं दे आर ऑफन फनी और नॉन यानी कि ना उनका सर होता है ना पैर होता है बस एक हंसी मजाक के लिए एक चीज़ होती है एंड दे आर फनी दे बेसिकली दे से दैट इसका जो औरजिन है वो आयरलैंड में हुआ था जो सबसे ज़्यादा एक फेमस हमारे लिमरिक राइटर हैं वो है एडवर्ड लेयर और उन्होंने एक किताब लिखी थी बुक ऑफ नॉनसेंस 1800 में और वो पूरी किताब जो है वो लिमरिक्स के ऊपर है तो अब आप सोच रहे होंगे मैं लिमरिक 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 कर रही हूँ तो लिमरिक होता क्या है तो इसका एक जो हम बताते हैं कि इसको लिखने का तरीका ये है कि फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ लाइंस राइम विद ईच अदर, यानी ये जो पहली है और दूसरी है और जो पाँचवीं है उसके जो आखिरी लफ्ज हैं वो राइम करते हैं एक दूसरे से एंड दे हैव द सेम नंबर ऑफ सिलेबल्स यानी आठ या नौ सिलेबल्स होते हैं उनके ताकि वो सिमिलर होते चले जाएं उसमें वो सिमिलैरिटी आ जाए द थर्ड एंड फोर्थ लाइंस राइम विद ईच अदर and have the same number of syllables yani 5 or 6 syllables in the 3rd lines which rhyme And limericks often start with there once was a and then you go on taking it. So then when we see an example, the star by Catelyn Gwenther is a very famous one. There once was a wonderful star who thought she would go very far. Until she fell down and looked like a clown, and she knew she would never go far. So, if you not it, to But it's a funny, funny, individual, a limerick, ek poem. And in this creative writing, it is becoming more and more popular in this day and age. So, when you go on um, different kinds of freelance websites like. Uh, Upwork or those things and they, they uh, demand a writer there are there is a demand for limerick writers as well another very big demand of uh, limericks is on situation so uska ek hum aapko example dete there was, was an old man with a beard who said "It's just as i feared two owls and a hen four larks and a wren have all built their nests in my beard so again बात हम कर सकते हैं मुख्तु तरीक़ों से मुख्तलिफ क्रिएटिव राइटिंग के ज़रिए से क्योंकि इसका जो स्टाइल है राइटिंग का वो तो मैंने आपको बता दिया जो रिदम एंड फॉर्म है जितना जितना आप एग्ज़ाम्पल्स इसके सुनेंगे उतना उतना आपको जहन में पता चलता चला जाएगा किलेमरिक होता क्या है एंड हाउ इट स्टैंड अपार्ट फ्रॉम दी अदर्स दॉज एन ओल्ड पर्सन हुज हैबिट्स इंड्यूस्ड हिम टू फीड अपॉन रैबिट्स वेन हीट एटीन ही टर्न परफेक्टली ग्रीन यानी कि एक आदमी था रैबिट्स खाता था खा खा के इतने खा लिए कि ग्रीन हो गया फिर उसने छोड़ दिए खाने तो मगर अगर देखी जाए तो इसमें कुछ भी नहीं है काफ़ी सिली किस्म की चीज है मगर फॉर फन रीडिंग इट्स गुड एंड स्पेशली इट्स शॉर्ट तो आपने देखा होगा आज कल इंटरनेट का कॉन्टेंट बहुत शॉर्ट होता है अन अदर एग्जाम्पल दे वॉज अ यंग लेडी हु रिजेंबल द पॉइंट ऑफ अ पेन सो शी हेडिट मेड शार्प एंडचेस्ड अ एंड प्लेट सेवर ट्यून्स विद हर चिन सो अब देखा जाए तो यू नो इट्स फनी सो वी मूव ना टूवर्ड जिंगल्स ना जिंगल्स जो आई थिंक हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ये इश्तहार का या एडवर्टाइजिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है होता था और मेरे ख्याल में होता रहेगा सो so, फो uh, जब हम एडवर्टाइजिंग के बारे में सोचते हैं तो फॉर हमारे दिमाग में जिंगल आता है कोई आई एम श्योर आपको भी याद होगा मुझे जो इस वक्त आजकल के ज़माने से याद आ रहा है वो कोका कोला का बड़ा फेमस हुआ था ज़ालिमा कोका कोला पिला दे इसी तरह डालडा और मामता जो हमसे ज़रा से पुराने लोग या मेरे बचपन का मुझे याद है वो बिना का सुबह बिना का शाम बिना का तो ये बहुत सारे ऐसे जिंगल्स हैं जो हम इश्तहार से जुड़े हुए हैं और हमारी मेमोरी रिकॉल होती है जब हम उस गाने को या वो छोटा सा जो जिंगल होता है उसको याद करते हैं हमें फॉरेन ब्रांड याद आ जाता है जालिमा से हमें कोको कोला याद आ जाता है मामता से हमें डालडा याद आ जाता है सो रेपिटेशन टू साउंड ऑफ म्यूजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन जिंगल्स जिंगल्स आर वेरी ईजी टू रिमेंबर याद रहना बहुत आसान है सिंपल लिखे जाते हैं और उस ब्रांड के बारे में एसोसिएट करते हैं जो फीलिंग होती है जो आप बेच रहे होते हैं चीज़ उसके बारे में आपको एक अच्छी फीलिंग देते हैं और उसको डिस्क्राइब करते हैं जिंगल्स कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं जिंगल की एक बहुत जो बात होती है कि अगर वो रेडियो पे आप सुनें ज़रूरी नहीं है कि टीवी के साथ देखें या उसके साथ विजुअल्स हों अगर आप सिर्फ सुनेंगे ना तभी वो इतना पावरफुल होता है कि वो आपको ब्रांड की याद दिला दे वो एक अच्छा जिंगल होता है तो हमेशा वो एक टेस्ट होता है जिंगल का कि अगर आप रेडियो पे सुने दैट इट डज़ इट सो यू व्हेन यू राइटिंग अ जिंगल यू हैव टू फील इज़ इट फेमिलियर इज़ इट इजी टू रिमेंबर ऐसे ही जैसे कि आप नर्सरी राइम याद करते हैं बाबा ब्लैक शिप वाली उतनी ही आसान है और हमेशा याद रहती है और देर तक याद रहती है तो जिंगल का देर तक याद रहना बहुत ज़रूरी होता है एंड दैट इज़ द सक्सेस ऑफ अ गुड जिंगल इट इन्फिल्ट्रेट्स योर मेमोरी एंड इट स्टेज देयर तो साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट ने ये स्टडी किया है कि म्यूज़िक का एकफेक्ट होता है आपकी बॉडी पे तो so, जिंगल जो है वो इसी तरह आपकी बॉडी पे और साइकोलॉजी भी अफेक्ट करता है और बड़े एक साइंटिफिक तरीके से करता है तो so, बेहतर है कि आप इसको सुने बहुत सारी जिंगल्स सुनें जिस तरह लिमरिक्स लिखे जाते हैं उन्हीं पैटर्नस पे जिंगल्स को लिखें और ऐसे बनाएँ कि वो जितना सिंपल मेलिडी हो जितने सिंपल इस्तेमाल हो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो उतना वो पॉपुलर होते चले जाएंगे।